बताइए, खुशीशा साहब ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि इनका नाम बिल्कुल डिस्कशन में था ही नहीं काकर साहब का, एंड जस्ट केम एज अ सरप्राइज। क्या यही वजह है कि अब इसको ओन अप नहीं कर रही पीपल्स पार्टी की लीडरशिप? नहीं, किसी ने डिसोन भी नहीं किया, ये बात भी नहीं है कि हमने कुछ डिसोन कर दिया है। असल में जब ये तैनाती हुई या जब ये नाम आया तो मालिक साहब उस वक्त फौरी तौर पे आपने फर्ज करके सवाल किए, सारे मीडिया के मुख्तलिफ लोगों से सवाल थे, मलिक अहमद खान साहब से हुए, मुझसे भी हुए, तो मुझसे जब सवाल हुए या शाह साहब से हुए तो हमने अपनी राय का इजहार किया। वो कोई जमाती राय नहीं होती, इमीडिएटली तो ये नहीं होता ना कि हम इकट्ठे होकर फौरी तौर पर कोई राय दे देते हैं या कोई अपनी आपस में मुबादले के बाद कोई पार्टी का फैसला आ जाता है। तो वो इंफरादी राय थी, वो क्योंकि उस कमेटी के नाम जानते थे शाह साहब, लिहाजा उन्होंने अगर कोई राय दी तो बाद में पार्टी की जो राय थी जो फैसल कुंडी साहब ने दी उसी के साथ सबने एग्री किया। नहीं, ये तो कहा साहब हम बार बार सुनते हैं कि राय मेरी जाती थी, वो पार्टी थी, वो तो अब आई थिंक ये तो एक मीनिंगलेस ही बात होगी। जब सीनियर लीडर जब आप एक बात करते हैं तो उस राय में बड़ा वजन होता है। बट एनीवे, ये एक बात कि एक ताकत ऐसा नहीं थे, छोटी सी मेरी गुजारिश सुन ले जरा। अर्ज ये है कि आप अभी एक इवेंट होता है, उनका नाम आया सर और फौरी तौर पे फ्लैश हुआ और सारे मीडिया ने फौरन सवाल करने शुरू कर दिए। अब जब हर फर्द से अलग अलग सवाल होगा तो ये कैसे मुमकिन है कि पार्टी की कोई सोची समझी या यकसुई से डिस्कस की हुई राय आपके साथ शेयर की जा सके? कोई भी बंदा बात करेगा वो अपनी जाती राय देगा ना आपको। अच्छा ये बताएं, ये जो बात इस्लामाबाद में फैली हुई इस वक्त, आपके ख्याल में कोई क्या ऐसी कोई पॉलिटिकल डील बन सकती है, और अगर बनेगी तो क्या आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे? जो एक्सक्यूज मी, जो खान साहब की बारे में कहा जा रहा है कि शायद उनको एक एग्जाइल का ऑप्शन दे दिया जाए कि पाकिस्तान से बाहर चले जाए, क्या आपके नजदीक इसमें कोई वजन है इन बातों में हकीकत? मलिक साहब, बहुत सारी खबरें गर्दिश करती रहती हैं, बेशुमार देखे ना, प्राइम मिनिस्टर के बेशुमार नाम डिस्कस होते रहे, शुरलियां चलती रही, हम कहते रहे कि ऐसा नहीं होगा, कभी असेंबलियों की मुदत बढ़ाने की बातें की जाती रही, कभी कुछ, तो इस तरह की बातों पे क्या बात की जाए? ये तो एक अजम्पटिव गुफ्तगु है, आपने किसी हेर से पे बात की, आप तो एक सवाल के रंग में पर्स कर सकते हैं। मैं तो एक सियासी कारकुन के तौर पर जब तक मेरे सामने कोई फिजिकल सूरत हाल ना हो किसी मफरूजे पे क्या बात करूं, उसके तो गलत मैंने निकलेंगे बड़े। सर मफरूजा इतना मफरूजा भी नहीं होता ना, हमने बार बार कहा था कि प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा इंटरिम जिसका नाम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन देंगे, नाम हमें शायद ना पता हो लेकिन वो बात हमारी हकीकतन साबित हुई ना, और उसका मैंने अभी शुरू में वजह भी बताई है। सो इसलिए सारे मफरूजे नहीं है चीजें। जब नवाज शरीफ साहब गए थे मुशर्रफ साहब के जमाने में तो तब भी पहले खबरें चल रही थी कि नवाज शरीफ की जाने की बात चल रही है, फिर कुछ तब सबने कहा मफरूजे हैं, बाद में हकीकत बन गई। मैं आप मालिक साहब आप सवाल कर लेता हूं, अगर ये मफरूजा हकीकत की तरफ जाता है तो आपके ख्याल आप में बड़े क्या रसूख वाले आदमी सपोर्ट करेगी या पोस्ट करो? आप बड़े रसूख वाले आदमी हैं, आप यकीनन बड़ी गहरी खबरें निकाल लेते हैं, मेरे पास तो ऐसा जरिया कोई नहीं है। मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि मैं अगर कोई इस मफरूजे पे मबनी बात पे अपनी कोई राय देता हूं तो ये मफरूजा गायब हो जाएगा और मेरी कही हुई बात पीपल्स पार्टी के तौर पे आगे चल जाएगी और इससे भ्रम पैदा होता है। लिहाजा अगर कोई ऐसा नाम ऐसी कोई चीज आई फिर मेरी जमात बैठ के फैसला करेगी और हम अपनी राय देंगे, मेरी जाती राय तो फिर वहां आनी चाहिए ना, यहां तो मैं नहीं दे सकता। कारा साहब ये बताएं मुझे कि हम जो तकरीरें सुन रहे हैं और खास तौर पर सारे तकरीर हर तकरीर आर्मी चीफ बड़े गौर से सुनी जाती है, मैं वर्ड देख रहा था डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जमहूरी की क्या बात हुई क्या नहीं, आखिरी बार जो आईएसपीआर की प्रेस ली जाई थी 15 मई को, उसके अंदर था कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना, सब कुछ करना। लेटली हमें नजर आ रहा है जैसे आज उन्होंने कहा पाकिस्तान है तो हम सब है वरना नहीं है, पाकिस्तान की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, और जिस तरह आप प्राइम मिनिस्टर इंटरिम के आए हैं इससे बहुत से सवाल लोगों के ख्याल में ये उठ रहा है कि शायद अभी इलेक्शन जनवरी फरवरी में भी ना हो, और ये जो डेडलाइन है लोगों का ख्याल है कि जी अगर सेनेट के इलेक्शंस तो हर कीमत पे होंगे, क्यों हर कीमत पे होंगे? अगर नेशनल असेंबली के डिले हो सकते हैं, अगर प्रोविंशियल्स के असेंबलीज के एंडलेसली डिले हो रहे हैं,
तो अगर सेनेट के इलेक्शन आपके ख्याल में कोई बहुत बड़ी रेड लाइन है कि ये आगे नहीं हो सकते? मालिक साहब, इसको रेड लाइन ही समझना चाहिए, नहीं है पर समझना चाहिए। बिल्कुल आपका थीसिस दुरुस्त है कि अगर कौमी असम्बली जो आवाम से के नुमाइंदों से वोट लेकर डायरेक्टली आती है, अगर वो नहीं है और उसकी अदम मौजूदगी में आप जिसने कायदे ऐवान भी बनाना है, जिसने बजट भी पास करना है, सब कुछ करने होते हैं, तो अगर वो नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है, तो फिर भी काम जब चलता है तो कहने की हद तक टेक्निकली तो ये अपनी जगह, लेकिन बिल्कुल हमें इसको रेडलाइन समझना चाहिए और मिनिमम पॉसिबल डिले जो है, मिनिमम पॉसिबल डिले के साथ इलेक्शन होने चाहिए, इस पर कोई दूसरी राय नहीं। जहां तक ताल्लुक एस आई एस पी आर से या उनसे जमहूरी जो अमल है या जमहूरियत या जमहूरी इदारों की इस्तेहकाम की बात है, हर वक्त ये बात होते रहना भी ज़रूरी नहीं है। जब आप आइन और कानून की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की बात कर रहे हैं, आप आइन की बात कर रहे हैं, तो आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, उससे हटके तो कुछ नहीं कर रहे। और अगर फ़र्ज करें कुछ ऐसा है, तो फिर हमारे पास एक सबक मौजूद है माजी का, वो देखने की ज़रूरत है कि क्या उस सबक की रोशनी में हम इस रवैये को आगे बढ़ा के कोई बेहतरी कर सकते हैं पाकिस्तान की। ये बड़ा अहम सवाल है, इसको देखना चाहिए। गारे सर, मुझे एक बात बताइए, ये मुझे एक बात बताइए, दो राय है इस वक्त। एक राय ये है कि अगर आप इलेक्शंस पोस्टपोन होते हैं और लोगों को ये लगता है, आप लोगों को, लीडरशिप्स को, कि शायद बात जमहूरियत से दूर लेके जा रही है चीजों को, तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे कि सडनली नवाज शरीफ साहब भी और आपकी पार्टी, नवाज शरीफ पार्टी, दूसरे लोग वही बयानियां अपनाएंगे जो इमरान खान का है और टारगेट करेंगे इंस्टीट्यूशन का। लेकिन दूसरी राय ये है कि आप लोग किसी भी कीमत पे इमरान खान के साथ एलाए किसी भी कैंपेन में नहीं होंगे, बल्कि आप शायद इंतजार करना भी कबूल कर लें, साल दो साल किसी इंटरप्शन का, एज लॉन्ग उसमें इमरान खान फारिग हो जाए, तो आप उनके साथ जुड़ के कोई काम नहीं करेंगे और आप शायद इंतजार कर लेंगे कि वो प्रशासन से फारिग उनको हो जाए या कर दिए जाए। अगर हालात जमहूरियत के ऐसे नजर आते हैं, तो क्या आप लोग मिलके कभी इमरान खान के साथ चल लें? क्या आपके ख्याल में पॉसिबिलिटी 1% भी है या वो भी एक रेड लाइन है? हमारे साहब, वो पुराना सा एक शेर है कि तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि मेरी जमात का सबक यही है, हमें इसी सबक के साथ आगे चलना है। हमारा यकीन यह है, ख्याल नहीं है, यकीन यह है कि जमहूरियत और जमहूरी प्रोसेस ही पाकिस्तान को कायम और आगे बढ़ा सकता है। सिर्फ ताकत के जोर पे हम पाकिस्तान को ना मुस्तहकम कर सकते हैं ना कायम रख सकते हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए। असूलों की बुनियाद पे मुल्क और घर चलते हैं। माजी में भी हम आपस में बड़े दूर थे, मुस्लिम लीग और हम कहाँ खड़े थे? कोई सोच सकता था उस वक्त कि हम आपस में कभी इकट्ठे हो जाएंगे? फिर इकट्ठे वक्त ने किया कि मुल्क की जरूरत ये थी। आज तो सूरत हाल यह है कि मौजूदा आर्मी चीफ ने खुद ये बात कही कि हम सियासत में नहीं आना चाहते, मदाखलत नहीं करना चाहते। तो मेरा ख्याल है कि जो माजी करीब के अंदर इवेंट्स हुए जिसमें हमें ये महसूस होता है, उसको हमें सीरियसली ये जानते हुए कि अगर नहीं, आपने बहुत बड़ी बात की है, लेकिन ये जानते हुए कि अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस उसी तरह होता है जिस तरह होना चाहिए, तो इमरान खान आके आप लोगों का सफाया भी कर सकते हैं, फिर भी आप तैयार होंगे उनके साथ चलने के लिए? मालिक साहब, ये तो हालात पे ही डिपेंड किया करता है। ये तो आज बैठ के आप मुस्तकबिल के बारे में क्याफे नहीं लगा सकते सारे। कल क्या होगा, बड़ी तेजी से चीजें बदला करती हैं। हम 17 सीटों के साथ बैठे थे एक दफा असेंबली में, मुस्लिम लीग 19 सीटों के साथ बैठी थी, इमरान खान एक सीट के साथ बैठे थे। पिछले इंतखाब में भी जिस तरह लोग उनके साथ शामिल कराए गए थे, ना होते तो इमरान खान ये जो आज तूती बोलने की आप बातें करते हैं, ये कहाँ खड़े होते?